मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ विकास स्टडी पॉइंट में। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस, जो आज का पेपर हुआ था उसका हम आंसर की देखने वाले हैं। जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आप करके आए हो, कौन कौन सा क्वेश्चन आपका सही है, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू आता है, क्या लिखा है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार लिखिए। तो कालक्रम के अनुसार लिखना है, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें कब कब हुई हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि विश्व व्यापार संगठन जो था चीन में जो प्रवेश किया था 2001 में किया था, इसके अलावा खेती में जो निजीकरण हुआ था 1982 में हुआ था, खुले द्वार की नीति 1978 में हुई थी, और एकांतवास कब समाप्त हुआ था 1972 में हुआ था। तो यहाँ पे आप देखोगे सीरियल वाइज, तो सबसे पहले ये हुआ था, फिर ये और फिर ये, इस तरीके की चीज़ें हुई थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन के। अभिकथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, अभिकथन का कारण क्या सही स्पष्टीकरण करता है ये भी आपको बताना है, और ये भी बताना है क्या अभिकथन सही है या कारण सही है, इस तरीके के। तो क्या लिखा है, अमेरिका के नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया, बिल्कुल सही बात है। अमेरिका ने अपनी आर्थिक योजना के तहत पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दिया है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं चीज़ बता दूँ कि एक जगह पे सुरक्षा की बात की जा रही है, ठीक है, और नाटो की सुरक्षा की बात की जा रही है, और एक जगह पे पश्चिमी देशों की बात की जा रही है। तो एक में नॉर्थ की बात की जा रही है और एक में पश्चिमी यूरोप के देशों की बात की जा रही है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कारण और कथन आपस में मैच नहीं कर रहा है, लेकिन अभिकथन और कारण बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, तीसरा क्वेश्चन कि अभिकथन क्योटो प्रोटोकॉल के एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, बिल्कुल ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत औद्योगिक जैसे ग्रीन हाउस जैसे गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया था, बिल्कुल सही किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ए पॉइंट बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जिसको आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, भारत और चीन के, चौथा क्वेश्चन अपना, भारत और चीन के संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन ऐसा है जो सही नहीं है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, भारत और चीन के बीच जो हिंदू चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे ये बिल्कुल सही बात है, लग ही रहे थे, और व्यापारिक समझौता भी हुआ था। इसके अलावा अगर देखा जाए भारत अस्थायी सदस्य है UNO का और चीन है स्थायी सदस्य, लेकिन है तो दोनों ही, तो ये भी बात सही है। लेकिन भारत में लोकतंत्र है, चीन में लोकतंत्र नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन आप डी लगा के आओगे और बिल्कुल राइट। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सब मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ऑफिशियल कोई आंसर किया था हमारे पास तो वो भी हम आपको शेयर कर देंगे, जिससे आप और वेरीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बताई जा रही है 99% चीज़ें बिल्कुल ही राइट हैं, ठीक है, और ये चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बाकी चैनल पे देखो नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा 1 अक्टूबर से, ठीक है। अभी तक आपकी पेपर कैसा भी हुआ हो डजेंट मैटर, लेकिन 1 अक्टूबर से मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ अपने ऐप पर भी, विकास स्टडी पॉइंट के ऐप पर भी। तो ऐप पर अगर आपको जुड़ना है तो 7011912793 पर मैसेज कीजिए, आपको एक एक मीटिंग होगा, उस मीटिंग के तहत सारी बातें बताई जाएंगी, किस तरीके से हमारा प्लानिंग है और किस तरीके से आपको तैयारी 4 महीने के अंदर अंदर गारंटेड बेसिक टू एडवांस चीज़ें समझा दी जाएगी। अभी तक आपका कैसा भी पेपर गया डजेंट मैटर, लेकिन अब मैं गारंटी लेता हूं कि आपको पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा और 90 अब सारे लेके आओगे जिस हिसाब से मैं तैयारी करवाऊंगा उस हिसाब से, ठीक है। तो चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बाकी 7011912793 पर आप मैसेज करके बात तो कीजिए ही कीजिए। चलिए बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की, वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख कौन करता है, तो कौन करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें, अगला लिखा है कौन सा, और हाँ एक चीज़ और बता दूँ, जो मेरे नोट्स हैं विकास स्टडी पॉइंट के नोट्स हैं उसमें मैं कह रहा हूँ आपको इसमें इतनी चीज़ें मिलेंगी, लमसम देखा जाए 90% चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हाँ MCQ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, एक आध क्वेश्चन ऐसा है कि जो नहीं आया है, बाकी सारी जितनी भी चीज़ें आपको मिलेंगी, बशर्ते ये है कि थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और ध्यान से कैसे पढ़ना वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, वह कौन सा बैंक है जो वैश्विक मानवीय विकास और कृषि ग्रामीण विकास के लिए काम करता है, तो कौन सा करता है, ये करता है सी ऑप्शन, यानी कि विश्व बैंक काम करता है। अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया है, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन होता है, कोई एक जो है ना आपको मैच करना आना चाहिए, ठीक है, बाकी अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे बी ऑप्शन आपको आता है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, तो आपको मैंने बताया था कि जो स्थायी सदस्य होते हैं वो बिल्कुल स्थायी होते हैं, उनके लिए कोई कार्यकाल होता नहीं है, लेकिन जो अस्थाई होते हैं उनका टाइम 2 साल के लिए होता है। तो बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा,
सी हो जाएगा, बी का ऑप्शन सी। तो अब देखो बी का सी कहाँ लिखा है, मतलब बी का तीसरा कहाँ लिखा है, तो देखो बी का तीसरा इसमें लिखा है, इनमें नहीं लिखा हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक आपको मैच करना, बाकी सारा चीज़ हो जाएगा। सचिवालय कितने टाइम का होता है, तो सचिवालय 5 साल का होता है, तो यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो यानी कि ये देखिए ए पॉइंट बिल्कुल ही राइट है, इसका मैच करेगा कुछ इस तरीके से, इस वाले का मैंने बता दिया कुछ इस तरीके से मैच कर रहा है, और सी वाले का मैच करेगा अपना डी से, और इसके अलावा ये बचा हुआ इससे, ऐसे ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है, तो इसका अर्थ ही मैंने आप लोग को बताया था, खतरे से आज़ादी को सुरक्षा करते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। वैश्विक ताप वृद्धि से सबसे अधिक खतरा किसको होता है, तो समुद्री पहाड़ी क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है। तटीय क्षेत्रों को तो होता ही होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो इससे इसका होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे निम्नलिखित रिक्त स्थानों को नीचे दिए गए, मतलब क्या है इसमें, फिल इन द ब्लैंक है जिसको हमें पूरा करना है, तो क्या लिखा है, केवल उन चीज़ों को सुरक्षा से जुड़ी चीज़ों का विषय बनाया जाए जिससे जीवन के किसको केंद्रीय मूल्यों को खतरा होता है, तो यानी कि ये हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं 11वां, विश्व पूंजी वस्तु और लोगों के विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही की आसानी में रिक्त स्थान है, हुई तरक्की, किसकी वजह से तरक्की हो रही है, प्रौद्योगिकी की वजह से, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे, ये 11th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट था, 11th में भी आप लोग को मैंने बताया था, और देखो 12th में भी आ गया, ठीक है। और इसके अलावा कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि आज के डेट के कौन है, तो राजीव कुमार है, कौन है, राजीव कुमार है, तो इसको भी आपको याद करना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी पूछा जा सकता है ना, तो इस वजह से याद करके रखना है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब आ जाते हैं यहाँ पे दो दो अंक के क्वेश्चन, क्या लिखा है, आसियान शैली क्या है, ठीक है। आसियान क्या शैली है, आसियान शैली, शैली का मतलब होता है तौर तरीका, तो आसियान की जो शैली है, यानी कि आसियान का जो तौर तरीका है, और वो किस तरीके से आर्थिक, क्षेत्रीय और सामाजिक रूप से किस तरीके से अपने आप को प्रखर बना रहा है, किस तरीके से अपने अपने देश को व्यवस्थित रूप से चला रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जिस भी तरीके का वो यूज कर रहा है उसी को आसियान शैली का नाम दिया जाता है, ठीक है। और इसके पीछे अपनाने का कारण यही है कि जितने भी दो देश हैं जो आसियान में हैं और उन्होंने इस चीज़ को अपनाया, उनसे उनकी तरक्की हुई है आर्थिक, सामाजिक और है ना राजनीतिक रूप से, वो अपने आप को प्रखर बना रहे हैं, इस तरीके से आप करके लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं निशेषाधिकार यानी कि वीटो पावर क्या है, तो वीटो पावर क्या है, जैसा कि आपको पता है कि जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं उनको वीटो पावर दी गई है, और ये वीटो पावर अपने हिसाब से वो यूज़ करते हैं। बेसिकली वीटो पावर का यूज हम कब करते हैं, किसी भी चीज़ को जब हमें रोकना होता है तो हम निषेधाधिकार का यूज करते हैं, तो ये वो है, और ये सिर्फ 5 देशों को दी गई है सुरक्षा परिषद में, ठीक है। सुरक्षा परिषद में इसका क्या महत्व, बिल्कुल ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि अगर कई मुद्दे ऐसे हो जाते हैं जिनको हमें रोकना होता है, 4 देश स्वीकृति दे देते हैं और एक देश को लगता है कि ये चीज़ें सही नहीं है, तो उस टाइम पे वीटो पावर का यूज कर सकता है, ठीक है, ऐसी चीज़ें होती हैं। आगे बात करते हैं मानवाधिकारों के लिए कोई दो प्रकार, यानी कि मानवाधिकार क्या होते हैं, इसके कोई दो प्रकार आपको बताने हैं। तो मानवाधिकार बेसिकली मानव के अधिकार जो होते हैं उसको मानवाधिकार कहते हैं, और इसके कई सारे प्रकार हैं, जैसे जैसे प्राकृतिक अधिकार हो गया, नैतिक अधिकार हो गया, मौलिक अधिकार जैसी चीज़ें इसमें आती हैं, सामाजिक आर्थिक अधिकार इसमें आता है, तो इस तरीके से कोई दो प्रकार आपको लिखने थे। आगे जल युद्ध क्या है, जल युद्ध जो जल के लिए जो लड़ाई की जाए उसको जल युद्ध कहते हैं। बेसिकली क्या है, पानियों के लिए ऐसा कहा जाता है कि जो अपना ये जो टाइम चल रहा है 21वीं सदी का जो टाइम है, आने वाले समय में जो युद्ध होंगे वो होंगे पानी के लिए, क्योंकि पीने का पानी वाला जो जल है वो धीरे धीरे स्तर उसका कम होते जा रहा है, और स्तर जब कम होते जा रहा है, जो संसाधन है पानी भी एक प्रकार का संसाधन है, जब स्तर कम होते जाएगा तो एक टाइम पैसा आ जाएगा, लड़ाई होनी होनी है। और आज भी आप देखते हो कई सारे नदी जल बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं टेंशन चलती रहती है, एक दूसरे देश में लड़ाई होती रहती है ना, तो इस तरीके से जल युद्ध आपका यही है। वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण यानी कि इसको कैसे लिख सकते हो, विश्व अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाती है, या फिर आप ये कह सकते हो कि एक देश की पूंजी सेवा वस्तु को दूसरे देश में प्रवाह करना, यानी कि लेन देन करना। MNC कंपनी बहुत सारी आपने देखी होगी कि बड़ी बड़ी कंपनियां एक दूसरे देश में जाकर स्थापित होती हैं, हम दूसरे देश की टेक्नोलॉजी यूज करें, दूसरे देश हमारे देश की टेक्नोलॉजी यूज करें, इस तरीके से, ठीक है। आगे 18वां क्या लिखा है, सर्वप्रथम कब और कहाँ समाजवादी दल को स्थापित किया गया था, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो ये है, कब का मतलब था किस टाइम पे, तो 1957 में, ठीक है, इसको स्थापित किया गया था कहाँ पे, केरल में किया गया था। तो एक नंबर इसके मिलते हैं, एक नंबर इसके मिलते हैं, एक और एक मिल गया, दो नंबर, है ना, इस तरीके से। लेकिन ये मिलेगा कब, जब आप पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ये बात याद रखना।
कोई भी आप बहुत सारे यूट्यूब पे आप लोग देख रहे हो कि सैंपल पेपर, एक सैंपल पेपर में आप पेपर फाड़ के आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। एक सैंपल पेपर में क्या होता है, आप 12th क्लास में, आप इस चीज़ को समझो, 12th क्लास में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उस चीज़ को, उस बारीकी को समझना है आप लोग को, ठीक है। तैयारी आपकी बेहतरीन होगी, विकास स्टडी पॉइंट के साथ जुड़िए, और आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स सारा चीज़ देने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है, आपको सब सब चीज़ मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए कौन कौन से मापदंड है। तो देखिए इसमें वही है कि कौन कौन से ऐसे मापदंड है जिसके वजह से हम सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पा सकते हैं। तो देखिए इसका जो क्राइटेरिया है, सबसे पहले देश का क्षेत्रफल बड़ा होना चाहिए, जनसंख्या भी होनी चाहिए, साथ ही साथ उसका योगदान होना चाहिए UNO में, इसके साथ साथ उसका महत्व, इसका इम्पोर्टेंस होना चाहिए, और वो हमेशा शांति के कार्यों में लगा हुआ होना चाहिए, सभी देशों के साथ सपोर्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का जो क्राइटेरिया है वो सारे चीज़ होना चाहिए, और उसको आप फुलफिल करते हो तो आप सुरक्षा स्थायी सदस्य बन जाओगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, भारत तो इन सभी चीज़ों को फुलफिल करता है लेकिन फिर भी क्यों नहीं है। तो ये इस चीज़ के पीछे जो अड़ंगा डालता है वो डालता है चीन, और चीन बार बार वीटो का यूज कर लेता है। वीटो अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, निषेधाधिकार, तो वीटो पावर का यूज करके वो क्या कर देता है, भारत को शामिल होने से रोक देता है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, अगला है अपना शक्ति संतुलन क्या है। तो शक्ति संतुलन बेसिकली देखा जाए, शक्ति संतुलन का मतलब होता है कि एक देश अपने शक्ति संतुलन को बना के रखे। शक्ति मतलब होता है पावर, संतुलन का मतलब होता है बैलेंस में बना के रखे, ठीक है। तो अब देखिए शक्ति संतुलन का मतलब मैं समझाता हूँ कि किसी भी ऐसे देश को इतना प्रबल मत बनने दो कि वो तुम्हारे लिए खतरा बन जाए, ठीक है, या वो दूसरे के लिए खतरा बन जाए। सभी देश अपने शक्ति को संतुलित करके रखें, बनाए रखें, उसी को कहते हैं शक्ति संतुलन। किसी देश को इसे कायम करने के कोई दो सुझाव, बिल्कुल सुझाव है। पहला सुझाव आपका यह है कि आप दूसरे देश के साथ संधि बना के रखो, संधि करके रखोगे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज़ है गठजोड़ कर लो, मतलब समझौता कर लो। तीसरा चीज़ ये है कि क्षतिपूर्ति, अगर मान लो कि डेट में आपसे लड़ाई हो भी जाती है तो उसकी क्षति की पूर्ति कर दो, यानी कि जो भी आपने नुकसान किया है उसकी पूर्ति कर दो। जब पूर्ति आप कर दोगे तो सामने वाला उस चीज़ को बोलेगा नहीं, ठीक है। और चौथा ये है कि संतुलनधारी, आप अपने बैलेंस को बना के रखोगे तो सारी चीज़ें सही रहेंगी, ठीक है। तो ये भी कुछ उपाय हैं, मैंने चार बता दिया, कोई दो ही आपको लिखना था। इसके अलावा सोवियत प्रणाली की असफलता के किन्हीं चार कारणों का, तो इसमें बेसिकली लिखना क्या था, सोवियत संघ की कमियां लिखनी थी। तो सोवियत संघ में नौकरशाही का शिकंजा था, दूसरा चीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन था, तीसरा चीज़ वो ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो हथियारों को बनाने में लगा रहे थे, चौथा चीज़ हो गया कि वहाँ पे ये नौकरशाही का शिकंजा तो था ही, और साथ ही साथ देखा जाए तो गलत जानकारी दे रहे थे जनता को, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, जनता के प्रति उनकी कोई देनदारी ही नहीं थी, हैं, और जनता के प्रति जवाबदेह थे ही नहीं वो। तो इस तरीके से आप करके चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है, और बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। और चार पॉइंट लिखना था आपको, इसको एक्सप्लेन कर देना था, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं, शॉक थेरेपी क्या है। तो शॉक थेरेपी बेसिकली क्या है, आघात पहुँचाकर उपचार करना, उसी को हम क्या कहते हैं, शॉक थेरेपी कहते हैं, ठीक है। तो शॉक थेरेपी अपना यही है, और इस मॉडल को किसने, किस देश में निर्धारित किया, तो यहाँ पे जो है इसको एक प्रकार का ऐसा मॉडल है, आप समझ सकते हो कि एक प्रकार का ऐसा मॉडल है जो कि जिसके तहत आप ये जितने भी सोवियत संघ के देश आया, मतलब अलग हुए थे, उन देशों को पूंजीवाद की तरफ मोड़ना था, यानी कि साम्यवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवाद की ओर मुड़ना था। तो यही है, ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के बाद जब रूस मध्य एशिया के अन्य जो गणराज्य है, ठीक है, पूर्वी यूरोप के जो देश हैं उनमें जो साम्यवादी व्यवस्था थी उनको छोड़कर अब पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना था, तो इन्हीं सारे मॉडलों को शॉक थेरेपी का नाम दे दिया गया, और दिया किसने, IMF और विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक और IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस चीज़ का नाम दिया था। तो किसने दिया था, IMF ने दिया था और विश्व बैंक ने दिया था। किन देशों को दिया था, तो रूस को दिया था, मध्य एशिया को दिया था, इन जैसे जो देश हैं उन जैसे देशों के ऊपर दिया था, निर्देश दिया था, ठीक है, ऐसे करके। आगे समझते हैं, यूरोपीय संघ के गठन के पीछे कौन कौन से उद्देश्य थे। तो ये बेसिकली इसका उद्देश्य लिखना था, तो उद्देश्य क्या है, सबसे पहले चीज़ यूरोप के जो देश हैं वो वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना चाहते थे। दूसरा ये है कि जो यूरोपीय संघ के जो देश है, देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय एकजुटता एवं समन्वय को बढ़ावा देना चाहते थे, ठीक है। इसके साथ साथ आपस में आर्थिक और मौद्रिक जो यूनियन है, मतलब एक तरीके से समझ लो कि मुद्रा, एक ऐसी मुद्रा बनाना चाहते थे जो सभी देशों में चले, ठीक है। तो इन सभी की वजह से जो यूरोपीय संघ है
उसका प्रचलन हुआ, साथ ही साथ यूरोपीय संघ इसलिए भी बनाया गया, कल की डेट में अगर लड़ाई हो जाती है तो यूरोपीय संघ के जितने भी देश हैं मिलकर एक दूसरे के साथ रहेंगे और लड़ाई में भाग लेंगे, है ना, इस तरीके से लेंगे, ठीक है। एक देश पर आक्रमण सभी देशों के लिए आक्रमण समझा जाएगा, ये भी आप चीज़ें लिख सकते हो। तो उद्देश्य में भी कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट होते हैं जो हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सारे हर किसी के उद्देश्य में आप लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला, बिल्कुल सही बात है। चीन में साम्यवादी पार्टी तो है, लेकिन अगर फिर भी देखा जाए तो वो वहाँ पे शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया, यानी कि पूंजीवाद को नहीं अपनाया, बल्कि उसने क्या किया, जब उसको ज़रूरत पड़ी तब जाके उसने पूंजीवाद को अपनाया, वैसे नहीं अपनाया, ऐसा नहीं कि पूरा पूंजीवाद पे डिपेंड हो गया, नहीं, उसने ये कहा कि मैं ओपन डोर की नीति अपनाऊंगा, ठीक है। ओपन डोर की नीति अपनाऊंगा मतलब यही है कि उसने ये कहा कि 1978 में उनने कहा कि मैं साम्यवादी पार्टी को भी रखूंगा, मतलब साम्यवादी व्यवस्था भी रखूंगा और साथ ही साथ पूंजीवादी भी रखूंगा, और इससे उसका दोहरा, और उसी टाइम से ही चीन बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और इसके साथ साथ उसने खेती का निजीकरण भी किया था, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो 2001 में विश्व व्यापार संगठन में उसने चीन का प्रवेश भी हो गया था, और इसने अमेरिका के साथ भी समझौता कर लिया था। तो बहुत सारे तरीके थे जिसके द्वारा इसने अपना तरक्की किया। आगे 23वां क्वेश्चन है, सांस्कृतिक समरूपता और सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण से आप क्या समझते हो। बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सांस्कृतिक समरूपता का मतलब होता है संस्कृतियों के साथ समरूपता, इसका मतलब समझाता हूँ। जैसे मान लो एक देश ये है, एक देश ये है, एक देश ये है, इसी तरीके से बहुत सारे देश हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी एक संस्कृति थी, यहाँ पे भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग संस्कृति थी। अब हुआ क्या कि वैश्वीकरण की वजह से यहाँ की संस्कृति यहाँ जा रही है, यहाँ की संस्कृति यहाँ जा रही है, मतलब अलग अलग देशों की संस्कृति अलग अलग देशों में चली गई। अब बताइए इसमें सिमिलरिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। इस देश में अगर संस्कृति देखी जाए तो जैसे भारत में अगर संस्कृति देखी जाए तो अलग अलग जगहों की संस्कृति है। अब हम अमेरिका का प्रोडक्ट यूज करें तो अमेरिका जैसा बनना चाहते हैं, हम चीन का प्रोडक्ट यूज करें तो चीन जैसी कुछ चीज़ें अपना रखे हैं, हम भारत को ऑलरेडी अपना ही रखे हैं, विभिन्न देशों का हम अपना रहे हैं ना, तो इसका मतलब होता है समरूपता। समरूपता मतलब होता है कि हम समान जैसे दिखाई दे रहे हैं, इसी को समरूपता कहते हैं। और विभिन्नता का मतलब क्या होता है कि अब हम एक संस्कृति को ना अपना कर विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को अपना रहे हैं। समरूपता का मतलब होता है सभी देशों में एक जैसी संस्कृति का होना, और वैभिन्नीकरण का मतलब ये होता है कि अब हम विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को अपना रहे हैं। ये चीज़ें हैं, ये एकदम मस्त तरीके से मेरे नोट्स में समझाया गया, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। चलिए अब यहाँ पे एक पैसेज दे दिया गया, पैसेज को पढ़ना है, यहाँ पे ऑप्शन आंसर देना है। देखिए क्या लिखा है कि नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाली संसद को भंग कर दिया था। तो इसमें देखिए ऑप्शन यहाँ पे भी लिखा हुआ था कि 2002 में भंग कर दिया था, तो यहाँ पे 2002 बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे नेपाल में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदेशों का नेतृत्व तो कौन कर रहा था, तो कौन कर रहा था, सप्त दल गठबंधन कर रहे थे। यहाँ पे देखो लिखा ना 7 पार्टी अलायंस, तो ये हो जाएगा सही। आगे नेपाल के माओवादी नेता ने नेपाल के संबंधित संविधान में क्या शामिल करना चाहते थे, तो क्या शामिल करना चाहते, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि मूलगामी सामाजिक आर्थिक पुनर्रचनाओं के कार्यक्रम को शामिल करना चाहते थे, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे क्या लिखा है, नेपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये अपने आप से करना था, तो नेपाल में वर्तमान में लोकतंत्र बिल्कुल सही है, माओवादी राजा के खिलाफ तो बिल्कुल सही है, नेपाल में कई वर्षों तक संवैधानिक राजतंत्र चला ये भी बिल्कुल सही है, नेपाल एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, बिल्कुल ये भी चीज़ें सही हैं, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं 2008 में इस चीज़ों को लागू कर दिया गया था, लेकिन अगर स्टार्टिंग में देखा जाए हालांकि यहाँ पे हिंदुओं की संख्या मतलब ज़्यादा तो है ही, तो हो सकता है कि यहाँ पे देखो इस ऑप्शन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दो ऑप्शन में बता देना चाहता हूँ। या तो सही ये हो सकता है, ठीक है, या तो ये हो सकता है सही, और या तो सही, हालांकि देखो यही हो सकता है सही, क्योंकि ये तीनों का तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही राइट है, ये भी तो राइट है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो इसी वजह से यहाँ पे ए ऑप्शन पे मैं टिक कर रहा हूँ। बाकी एक बार आंसर की आएगा तो उसमें आप देख लेना, ठीक है, तो पता लग जाएगा। चलिए अब हम आगे थोड़ा बात कर लेते हैं। 25वां क्वेश्चन है, तो यह मैप का क्वेश्चन है, तो कई लोग मैप फाड़ के भी दे देते हैं, तो मैप आपको फाड़ना नहीं है, चीज़ों को समझना है। अच्छा यहाँ पे देखिए इस बच्चे ने कर दिया, ऐसा चीज़ ऐसे हरकतें मत करना बोर्ड में, देखो ये जो चीज़ें हैं ना ये चीज़ें गलत हैं, आप अगर ऐसा करते हो एग्जामिनर आपका देख लेता है तो वहाँ पे सीट ले लेगा,
ठीक है, क्योंकि इससे कोई दूसरा बच्चा चीटिंग भी कर सकता है, तो ये भी चीज़ है। क्या पूछा है, वह रियासत जिससे आज़ादी के बाद भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया गया, तो रजवाड़ा कौन सा था ऐसा जिसने इनकार कर दिया गया था। तो अब देखिए यहाँ पे आपको ढूंढना कैसे है, अब ए ए क्या है, ए गुजरात है, बी क्या है, बी आपका वही है महाराष्ट्र है, ठीक है, डी क्या है, डी झारखंड है, और ये आपका हो गया हैदराबाद। तो ये हैदराबाद नहीं है बेसिकली, ये अपना आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो अब देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ चीज़ों को थोड़ा सा बारीक। तो पहला ऑप्शन क्या था अपना, ये तो हो गया गुजरात, ठीक है, और इसके साथ बी हो गया अपना महाराष्ट्र, सी डी हो गया अपना झारखंड हो गया, और इसके अलावा बात करते हैं नीचे ये जो सी है, यहाँ पे देखिए ये चीज़ें ये है ना, ये अलग अलग है थोड़ा सा। तो ये हो गया अपना जिसको कहते हैं तेलंगाना, और ये हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें ध्यान में रखिएगा। क्या है, वह रियासत जिसने आज़ादी के बाद भारत में शामिल होने से इनकार किया था। तो यहाँ पे चार रजवाड़े थे जिसने भारत में शामिल होने से इनकार किया था, कौन कौन से, एक जूनागढ़ हो गया, दूसरा हैदराबाद हो गया, तीसरा अपना वही हो गया मणिपुर हो गया, चौथा हो गया जम्मू कश्मीर। लेकिन इसमें सभी का ऑप्शन नहीं दिया है ना, किसका दिया है, यहाँ पे देखिए ये सी पे वाले पे ऑप्शन दिया है, ठीक है, तो इसी वजह से इसको कहते हैं हैदराबाद, ठीक है। तो हैदराबाद ने इनकार कर दिया था। तो आपको करना कैसे है, यहाँ पे आपको लिखना है वर्णमाला जो लिखना है, जैसे ये वाला सी पॉइंट लिखा था, तो आपको यहाँ पे लिखना है सी, और यहाँ पे आपको लिख देना है हैदराबाद, ठीक है, इस तरीके से। अगला क्या है, अगला क्या पूछा है कि जूनागढ़ रियासत से संबंधित राज्य, तो जूनागढ़ से पूछा हुआ है संबंधित राज्य क्या है, गुजरात है, तो ये जूनागढ़ था, और नीचे हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप हो जाएगा अपना कौन सा ए ऑप्शन था ना, तो ए लिखो यहाँ पे, और इसके सामने वो लिख देना आपको गुजरात लिख देना। ए के लिखा वह राज्य जहाँ पे 1920 का नाग अधिवेशन हुआ था, ठीक है, तो नाग अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो नाग अधिवेशन अपना यहाँ पे हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखा, वह राज्य जिसका गठन क्षेत्रीय संस्कृति एवं विकास के आधार पे हुआ था, तो ये हुआ था अपना इसका झारखंड का, ठीक है, इस तरीके से आप ये लिख देंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, ये अपना कार्टून जैसा पूछ रखा है, तो कार्टून में क्या है, लिखा है कि कार्टून में रस्सा कस्सी का खेल किसके बीच में चल रहा है, तो ये पक्ष और विपक्ष वाली पार्टियों में चल रहा है, ठीक है, और ये उस टाइम का चित्र है जिस टाइम पे कांग्रेस का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा था, तो ये उस टाइम का है। आगे क्या लिखा है, पेड़ पर बैठे नेता किस पार्टी के हैं, तो पेड़ पर बैठे नेता कांग्रेस पार्टी के हैं, कांग्रेस ने कांग्रेस है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के हैं। आगे, और पेड़ के ऊपर बैठे नेताओं और नीचे रस्सी खींचने वाले नेता के बीच में क्या अंतर है, तो अंतर यही है कि ये नीचे हैं, तो मतलब जैसे आप देखते हो सत्ता में जो पार्टी बैठी रहती है, अब पेड़ रस्सी खींचने का मतलब क्या है कि पेड़ को गिराना चाहते हैं, तो मतलब जो सत्ता में पार्टी है, मतलब कांग्रेस जो है, कांग्रेस को ये क्या करना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, कांग्रेस को क्या करना चाहते हैं, ये गिराना चाहते हैं, तो ये वही दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस को गिरा रहे हैं, या फिर इनकी नीतियों का बार बार समर्थन नहीं कर रहे हैं, बार बार अपोजिट में खड़े हो जा रहे हैं, तो ये वही चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कल करके लिखना था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला क्या लिखा है, सोवियत संघ के विघटन क्यों हुए, तो वही जो कमियां थी, कमियां ही इसके कारण बन गई और इस तरीके से विघटन हो गया। और इसमें तीन पॉइंट जो ऊपर मैंने आपको बताया था, सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन हो गया, और वहां पे नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया, और जनता के प्रति जवाबदेही तो थी नहीं, ज़्यादा पैसों का यूज हथियारों में करना, ये सब कारण थे, और इन्हीं को लिखना है आपको, एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। और साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छे संबंध हैं, और साम्यवादी देश में आप किसका करके लिख सकते हो, रूस का करके लिख देना, रूस बेसिकली पूछ किससे रहा है, रूस के साथ ही ज़्यादातर पूछ रहे हैं, तो रूस के साथ संबंध किस तरीके का है, ऐसे करके आपको लिखना था, ठीक है। दक्षिण एशिया में कितने देश आते हैं, तो 8 देश आते हैं, और इनके बीच में शांति और सहयोग को कैसे बढ़ाया जाए, शांति और सहयोग को बढ़ाने के लिए अपने राय देने हैं इसमें, ठीक है, ये इसमें कोई गलत नहीं करेगा, आपका टीचर आपका कार्ड नहीं देगा, बल्कि आप अपने राय लिखो। सत्ता वाला क्वेश्चन पूछा है ना, तो मतलब क्या है कि आप अपने राय लिखो, तो आप इसमें लिखिए कि अगर आस पड़ोस के जितने भी देश हैं, जाहिर सी बात है बगल में ही है, तो उनके देशों में सहयोग की भावना करके उनसे लड़ाई ना करना, बल्कि समझौता करना, संधि करना, व्यापार के नए नए रास्ते खोलना, और ठीक है, और ये अगर कोई आपस में अनबन है तो बैठ के बातचीत के द्वारा हल करना, तो इस तरीके के बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा
सहयोग और शांति को बढ़ाया जा सकता है, अपने हिसाब से करके आपको लिखना है ना, इस तरीके से। चलिए, श्रीलंका में जाति संघर्ष एक लंबा दौर चला था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और मैंने बताया भी था कि श्रीलंका में जाति संघर्ष चला था, और ये 10वीं क्लास में भी आता है ना, जाति संघर्ष। तो श्रीलंका में सिंगलियों की सिंगली और तमिलों के बीच में विवाद चल रहा था, तो उन चीज़ों के बारे में करके लिखना था आपको कि लंबा दौर चला, जो सिंगली सरकार थी वो सिंगलियों को ज़्यादा ध्यान देती थी, तमिलों पर ध्यान नहीं देती थी, आगे चल के उन्होंने लिट्टे का वो बनाया, राजीव गांधी ने हस्तक्षेप भी किया था इस चीज़ के मामले में, और राजीव गांधी को लिट्टे जो थे उनके समर्थकों ने क्या किया, मरवा भी दिया था, है ना, इस तरीके की चीज़ें थी। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियाँ, तो इसका साझी संपदा पहले क्या है इसके बारे में लिख दो, साझी संपदा वो संपदा जो सभी के लिए हो, ठीक है, सबका ही होता है, जैसे पर्यावरण सबका ही है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो सबकी ही होती है, जैसे समुद्र हो गया सबका ही है, तो ये चीज़ें हैं। अलग अलग जिम्मेदारी कैसे, बिल्कुल सही बात है, देखिए जो देश पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान कर रहा है, जाहिर सी बात है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है पर्यावरण को बचाए रखने में, हालांकि जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन उनको पहल ज़्यादा करनी चाहिए जिन्होंने इन चीज़ों का ज़्यादा दुरुपयोग किया है ना, इस तरीके से करके आपको लिखना था। और बाकी देखो पूरा आंसर आप लोग को नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ लिखना क्या क्या है ना, ये चीज़ें हैं। आगे, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों है, बिल्कुल सही बात है कि चिंता बहुत ज़्यादा है, क्यों चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि पर्यावरण किसी एक का नहीं है, सबका ही है। अगर कोई देश ऐसा है जो गरीब है, एक देश है जो अमीर है, लेकिन नुकसान तो दोनों को ही हो रहा है ना, अब पर्यावरण किसी एक का तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि पर्यावरण प्रदूषित है तो जो अमीर देश है उनके पास जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो वही चीज़ें हैं। तो चिंता बहुत ज़्यादा है सभी के लिए, वैश्विक है ना, क्योंकि सबके लिए बात हो रही है। आगे, आज़ादी के बाद राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में कोई 3 चुनौतियाँ, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है, और कितनी बार आप लोग को बताया, याद करके रखिए, 3 चुनौतियाँ क्या थी, 3 चुनौतियाँ वही है, लोकतंत्र को कायम करना, एकता के सूत्र में सभी को बांधना, अखंडता को बरकरार रखे रहना, और सभी का कल्याण करना, ठीक है, ये सारा चीज़ है। अच्छा, आज़ादी के बाद हैदराबाद के रियासत को किस तरीके से शामिल किया गया, ठीक है, तो उस्मान अली खान जो हैदराबाद के, इस पर देखो मैप वाले भी क्वेश्चन आया ना, तो वही चीज़ है, उस्मान अली खान जो थे वो अलग रहना चाहते थे, तो सबने एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है अलग रहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे चल के इन्होंने पाकिस्तान से समर्थन लेना शुरू कर दिया, तो ये चीज़ें तो गलत हैं, पाकिस्तान से समर्थन लोगे तो भाई भारत के लिए खतरा है, क्योंकि हैदराबाद आप देखो कि भारत के जस्ट नीचे ही है ना, और पूर्वी पाकिस्तान तो उस टाइम पे था ही, तो उस तरीके से भारत ने सोचा कि कहीं ना कहीं दिक्कत ना हो जाए हमें, ठीक है, यहाँ पे देखो ये हैदराबाद है, इस तरीके से ये भी पाकिस्तान का एरिया था, ये पाकिस्तान का है, अगर ये भी पाकिस्तान का हो जाता तो ट्रंगल नहीं बन जाता, तो भारत के लिए खतरा बन जाता, तो इसी वजह से उस टाइम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, जोर जबरदस्ती और सैनिक कार्रवाई के द्वारा, ठीक है, वहाँ पे जनमत भी हुआ जनता के द्वारा, ठीक है, जनता के मतों के द्वारा भारत में शामिल करवाया गया, और इस तरीके से हैदराबाद भारत में शामिल हो गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही अच्छा पेपर बना हुआ था, कोई ऐसा हार्ड वार्ड नहीं है, हाँ इतना है कि 90% की जो चीज़ें हैं वो इजी है, 10% चीज़ें थोड़ी सा हार्ड है, लेकिन लैंग्वेज बस हार्ड है, आपको लिखना वही था, ठीक है। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो थोड़ी बहुत जो चीज़ें गलतियाँ हुई होंगी आपको उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और बाकी अपने तरफ से मैंने बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश की है, बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय।